हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। सो बिना किसी बात की देरी किए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 41, आपको पता है कि चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है, जिसमें हम 36 ईयर ओल्ड PYQ सीरीज देख रहे हैं। उस क्वेश्चन में 41 नंबर का क्वेश्चन हमारा चल रहा है। इस चैप्टर में कुल 60 क्वेश्चन है, ठीक है। सो हर डे यानी पर डे हम 10 क्वेश्चंस लेते हैं। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। द स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़िए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज एट मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। मान लो एक कुछ प्रोजेक्टाइल पाथ है, कुछ इस पाथ पर एक पार्टिकल क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, और उसकी जो मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, यहाँ पे एच मैक्स, इसके मैक्सिमम हाइट पे क्या हो, जो इनिशियल वेलोसिटी उसकी यानी इनिशियल अगर यू है तो मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी हाफ हो जाएगी यू के कंपेयर में, ठीक है। तो वी डैश क्या हो जाएगा, यू बाई टू। इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो हमें एंगल पता करना है, जो ये एंगल होगा। तो देखो, तो सबसे पहले यहाँ क्या होता है, यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, ठीक है, और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अब रह जाती है, यानी होता है वी कॉस थीटा। अगर आप इसके कंपोनेंट ब्रेक करो तो ये होता है यू कॉस थीटा, ठीक है ना, और यू साइन थीटा। मैक्सिमम हाइट पॉइंट पे यू साइन थीटा हो जाएगा जीरो, तो बचेगा सिर्फ यू कॉस थीटा, और वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना। तो यू से यू कट जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2, यानी थीटा हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। एक पार्टिकल है, जिसका मास गिवन है हमें, और वी वेलोसिटी से क्या करा है, उसे 45 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। ये उसकी वी वेलोसिटी 45 डिग्री एंगल, यानी मैक्सिमम रेंज जाएगा पार्टिकल। व्हेन द पार्टिकल लैंड्स ऑन लेवल ग्राउंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन इट्स मोमेंटम विल बी। तो देखो, मोमेंटम में अगर कोई चेंज हमें, मैंने चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है, तो मोमेंटम चेंज होगा तो देखो सबसे पहले क्या होगा, अगर मैं इसके वेलोसिटी कंपोनेंट ब्रेक करूँ कॉस 45 डिग्री और वर्टिकल में साइन 45 डिग्री, जब भी यहाँ इसे हिट करेगा तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा, जो कि होगा वी कॉस थीटा, यानी कॉस 45 सेम ही होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहती है, और सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगी वी साइन 45। पहले अपवर्ड डायरेक्शन में थी, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। सो जो हॉरिजॉन्टल में जो वेलोसिटी है उसका मोमेंटम चेंज तो जीरो हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो बचेगा सिर्फ वर्टिकल में। सो तो वर्टिकल में जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाएगी माइनस वी साइन 45 डिग्री, और इनिशियल थी माइनस वी साइन 45 डिग्री, तो ये जाएगा माइनस 2 टाइम्स v, और साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, सो ये आ जाएगा, और m से मल्टीप्लाई करते हैं हम इसे, क्योंकि हम मोमेंटम देख रहे हैं, ठीक है ना, m v। आप
टर्म में भी लिख सकते हो एम वी साइन 45 डिग्री माइनस एम वी साइन 45 डिग्री, मैंने क्या सीधा कॉमन ले लिया। ओके तो यह जाएगा माइनस √2 एम वी। हमें पता करना है मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो जब मैग्नीट्यूड की बात होगी तो हम सिर्फ √2 एम वी लेंगे, ठीक है। तो यह जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। फॉर एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एंगल 45 डिग्री माइनस थीटा एंड 45 डिग्री प्लस थीटा, द हॉरिजेंटल रेंज डिस्क्राइब बाय द प्रोजेक्टाइल आर इन द रेशियो ऑफ। हमें रेंज पता करना है, ठीक है ना। एक पार्टिकल है मान लो जिसे 45 डिग्री माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट किया है, और एक दूसरा एंगल, दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसे 45 प्लस थीटा एंगल पे क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है। हमें उन R1 और R2 में क्या करना है, रिलेशन पता करना है, उनका रेशियो पता करना है। देखो रेंज फार्मूला होता है U² sin 2 थीटा, अब थीटा है 45 माइनस थीटा अपॉन जी, ठीक है। मैं यहाँ पे साइड में एक फार्मूला लिख लेता हूँ, रेंज होता है U² sin 2 थीटा बाई जी, ठीक है ना। और यहाँ से R2 आएगा U² देखो, तो वेलोसिटी सेम ही है दोनों की, ठीक है ना। U² sin 2 45 प्लस थीटा बाय जी, तो यह आ जाएगा U² बाय G sin 90 माइनस 2 थीटा, और ये R2 आ जाएगा U² बाय G sin 90 प्लस 2 थीटा। अब इसे सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा U² बाय G, अब 90 माइनस 2 थीटा है तो ये आ जाएगा cos 2 थीटा, और ये आ जाएगा U² बाय G sin 90 प्लस 2 थीटा है। तो 90 होता है तो हम क्या करते हैं, इसे साइन का कोसाइन करते हैं यानी कॉस करते हैं, और 2 थीटा, ठीक है ना। अब ये कन्वर्शन तो आपको आता ही होगा, ठीक है। ये आपका R2 और ये रहा R1। अब दोनों में रेशो लो तो ये क्या आ जाएगा, R1 इज एस टू R2, तो दोनों वैसे तो कट ही जाएंगे, फिर भी मैं लिख देता हूँ cos 2 थीटा इज एस टू U² G cos 2 थीटा, तो कट जाएगा, बचेगा 1 इज एस टू 1। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल ए इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट एंड अनदर पार्टिकल बी इज प्रोजेक्टेड इन अ हॉरिजेंटल डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द सेम हाइट, देन द करेक्ट स्टेटमेंट इज, ठीक है। क्या एक एक हाइट से एक पार्टिकल को ए, यानी ए पार्टिकल को क्या गया, जस्ट ड्रॉप किया है नीचे, तो कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। और एक बी पार्टिकल है जिसे क्या गया, यहाँ से कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है, वो कुछ इस तरह से पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। इससे वेलोसिटी दी है हमने 5 मीटर पर सेकंड, और जस्ट, और बी जो है जस्ट ड्रॉप किया, यानी बी की वेलोसिटी है 0। तो हमें पता करना है इन दोनों में जो नीचे रिलेशन दिए है, तो कौन सा रिलेशन होगा। सो पार्टिकल ए विल रीच एट ग्राउंड फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल बी,
और दूसरा ऑप्शन है पार्टिकल बी विल रीच एट ग्राउंड फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल ए। तीसरा ऑप्शन है बोथ पार्टिकल्स विल रीच एट ग्राउंड साइमल्टेनियसली। और लास्ट ऑप्शन है बोथ पार्टिकल्स विल रीच एट ग्राउंड विथ सेम स्पीड। ठीक है, अब देखो हमें अगर हम टाइम पता कर दें तो हमें पता चलेगा कि कौन सा पार्टिकल कब नीचे आएगा और कौन सा जल्दी आएगा या धीरे आएगा। ठीक है, सो अगर पहले केस में यानी ए की बात करता हूँ तो मैं तो टाइम ऑफ ए, ठीक है, आपने अब पढ़ा ही होगा, तो ये होता है 2h/g, ठीक है ना, इसकी हाइट में h मान लेते, ये तो 2h/g। और बी पार्टिकल के लिए अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट लू यानी टाइम लू तो ये भी आ जाएगा 2h/g। ठीक है, आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो, अगर मैं एच हाइट लू तो UyT+½gt² UI क्यों, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे वर्टिकल में ही वेलोसिटी से ही हाइट का क्या कह सकते हैं हम लेना देना हो सकता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में ऐसे ही, क्योंकि हॉरिजेंटल और हाइट का कुछ लेना देना है नहीं। ठीक है, हॉरिजेंटल वेलोसिटी रेंज पर डिपेंड करेगा, मतलब उस रेंज मतलब हॉरिजेंटल वेलोसिटी का यूज़ करके हम रेंज निकाल सकते हैं, और वर्टिकल वेलोसिटी यूज़ करते हैं हम हाइट। ठीक है, तो बी पॉइंट में वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, 0 है। ठीक है, Vy यहाँ पे क्या है, 0 है, तो h आएगा 1/2 gt² और यहाँ से t आएगा 2h/g√। ठीक है, देखो दोनों टाइम सेम है, ठीक है, टी ए और टी बी, पार्टिकल ए के लिए टाइम और पार्टिकल बी के लिए टाइम क्या है, सेम है। मतलब अगर आप यहाँ से फ्री फॉल कर रहे हो तो जितना टाइम लगेगा नीचे आने के लिए उतना ही टाइम लगेगा, इसे 5 मीटर पर सेकंड स्पीड देने के बाद जब वो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करके यहाँ पे आएगा तो दोनों एट द सेम टाइम ही आएंगे, यानी बोथ पार्टिकल्स विल रीच एट ग्राउंड साइमल्टेनियसली। सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड मेकिंग एंगल 45 डिग्री विद हॉरिजेंटल हैविंग अ काइनेटिक एनर्जी के, द काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट विल बी। इजी सा क्वेश्चन है, ठीक, प्रोजेक्टाइल मोशन है कुछ इस तरह से, यहाँ से कुछ वेलोसिटी उसे दिया है 45 डिग्री पे, हमने क्या किया है प्रोजेक्ट किया है यानी मैक्सिमम रेंज, उसी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी यहाँ पे। ठीक है, हमें फाइंड करना है कि जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा यानी एच मैक्स पे जाएगा तब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो जब एच मैक्स पे जाएगा तो मैं उसे के डैश काइनेटिक एनर्जी लिखता हूँ, और जब थ्रो किया है उसकी काइनेटिक एनर्जी के लेता हूँ। ठीक है, के होगा हाफ, उसका कुछ मास होगा यम और ये उसके। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ वेक्टर को नहीं लूँगा यानी कंपोनेंट्स नहीं लेता हूँ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का एक स्केलर क्वांटिटी सिंपल। ठीक है, और आपको ये पता है कि यहाँ पे क्या होता है, वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है, सिर्फ बचती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो कि होगी यू कॉस थीटा यानी कॉस 45 डिग्री, तो यह जाएगी यू बाय √2। अगर मैं यहाँ से के डैश यानी काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट निकालूँ तो हो जाएगा हाफ mv² यानी u² / √2² आएगा 2, तो आ जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2 m u² यानी 1/2, और ये जो है ना इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी के है, सो द के डैश आ जाएगा 1/2 k। ठीक है, 1/2 k यानी k/2, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, टू पार्टिकल्स ऑफ द सेम मास विद द सेम वेलोसिटी आर थ्रोन एट एन एंगल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, दो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स है
ओके देखो, दो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल से कुछ ये पॉजिटिव मोशन परफॉर्म कर रहा है, और कुछ यहाँ पे मैंने 60 डिग्री से इसे थ्रो किया है और इसे किया है 30 डिग्री पर। ठीक, टू पार टू प्रोजेक्टाइल्स ऑफ सेम मास विद सेम वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है इन दोनों की? सेम। इसकी भी कुछ यू वेलोसिटी होगी, इसकी भी कुछ सेम वेलोसिटी। मैंने डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, देन विच क्वान्टिटी विल रिमेन सेम। देखो, सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला भी पता है, ये होता है 2uy/g, और 2uy होता है टू यू वाई यानी 2u sin θ/g। देखो यहाँ पे 60 डिग्री है, sin 60 आ जाएगा √3/2, तो ये आ जाएगा √3u/g। और अगर मैं इसे पुट करूँ sin 30, तो आ जाएगा 1/2। सो तो टाइम तो होगा नहीं, यानी ये तो नहीं होगा इक्वल। फिर भी देखो हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, रेंज की बात करते हैं। अब रेंज का फार्मूला होता है u² sin 2θ/g। अगर मैं R1 यानी 60 डिग्री एंगल होने पे जब होगा तब मैं चेक करता हूँ, तो ये हो जाएगा u² / g। और वेलोसिटी भी सेम है, sin 2θ यानी sin 60 180, sin 120। ठीक है, कितना आ जाएगा sin 120 डिग्री, तो ये होता है 90+30 यानी cos 30। तो cos 30 होता है √3/2u²/g। ठीक है ना, एंगल ही कन्वर्ट किया मैंने। और R2 अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा u² / g sin 60, sin 60, ठीक है ना, sin 60 भी होता है √3/2u²/g। देखो रेंज सेम आ रहे हैं दोनों में, तो रेंज सेम आ रहे हैं तो ऑप्शन भी होगा। फिर भी हम क्या करते हैं, मैक्सिमम हाइट भी चेक कर लेते हैं। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होता है? देखो ये होता है u²/2g यानी u² sin²θ/2g। अब sin²θ है तो 60 डिग्री की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, 30 डिग्री की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि एच मैक्स भी क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट ही होगा। ठीक है, समझ आए? ऑल ऑफ देम नहीं होगा और ना ही सी होगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 47। टू पार्टिकल सेपरेटेड एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स, ठीक है, एक एक्स डिस्टेंस पे सेपरेट किए हैं। देखो डायग्राम गिवन है, एज शोन इन द प्रोजेक्टाइल एट द सेम लाइन एज शोन इन द फिगर विद डिफरेंट इनिशियल स्पीड। दोनों की डिफरेंट इनिशियल स्पीड है। इस अगर मैं इसे ए मान लेता हूँ, जस्ट सेकंड, कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ओके, इसको मैं ए पॉइंट मान लेता हूँ, यानी बी पार्टिकल मान लेते हैं, ए पार्टिकल या बी पार्टिकल। ठीक है, ए पार्टिकल की वेलोसिटी u/√3, ठीक है, गिवन है, और इसकी है यू। द टाइम आफ्टर विच द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम जीरो। इन दोनों में डिस्टेंस जीरो होगा तब उनका टाइम पता करना है हमें, कब कब यानी कब होगा, जब ये दोनों जो पार्टिकल है वो किसी एक पॉइंट पे मीट करेंगे। अब कब मीट करेंगे? देखो जब रिलेटिव वेलोसिटी, यहाँ पे कुछ रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है, ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके वेक्टर फॉर्म निकालेंगे। तो इस डायरेक्शन में होगा u cos 60 और वर्टिकल होगा u sin 60। ठीक है, उसी तरह सेम ये हो जाएगा हमारा u/√3 cos 30 और ये हो जाएगा u/√3 sin 30। ठीक है, अब देखो ये वर्टिकल वेलोसिटी है, अब अगर मैं इसे लूँ तो ये तो कभी मीट करेगी ही नहीं, क्योंकि ये पैरेलल हो गए दोनों। ठीक है ना, मीट कौन से करेंगे, ये जो है u√3 cos 30 और u cos 60 डिग्री। ठीक है, मैं क्या करता हूँ,
वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लेता हूँ, यानी वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, रिलेटिव वेलोसिटी लेता हूँ दोनों का, तो वेलोसिटी ऑफ ए ए पार्टिकल का ये हो जाएगा यू बाय रूट थ्री, कॉस 30 की वैल्यू आ जाएगी रूट थ्री बाय टू, ठीक है, माइनस, और फिर माइनस, क्योंकि देखो ये भी माइनस की तरफ ही है, तो ये आ जाएगा यू कॉस 60 यानी यू बाय टू, ठीक है, ये रूट थ्री कट जाएगा, यू बाय टू प्लस यू बाय टू, ये आ जाएगा टू यू बाय टू, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी यू, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, हमें फाइंड करना है टाइम, डिस्टेंस हमें पता है एक्स गिवन है, दोनों के बीच डिस्टेंस एक्स है, और वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हमें अभी हमने निकाला हुआ है यू, ठीक है, सो द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अंडरस्टूड। थोड़ा सा रिलेटिविटी का कंसेप्ट है, अगर रिलेटिविटी कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आया होगा तो आपके लिए ये क्वेश्चंस ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी, वन मेकिंग एंगल थीटा विद हॉरिजेंटल व्हाइल अदर मेकिंग एंगल थीटा विद वर्टिकल, ठीक है, टू पार्टिकल, दो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल का पॉजिटिव मोशन कुछ इस तरह और ये रहा दूसरा, ठीक है, अब होता है क्या, दोनों में सेम वेलोसिटी है यू यू, ठीक है ना, विद सेम इनिशियल वेलोसिटी, एक का एंगल थीटा है जो वर्टिकल के साथ बन रहा है और दूसरे का एंगल थीटा है जो आई मीन ये हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है और ये वर्टिकल के साथ बन रहा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना, 90 माइनस थीटा, ये थीटा या 90 माइनस थीटा। अब हमें फाइंड करना है इफ देयर कॉमन रेंज इज आर, ठीक है, दोनों का रेंज कितने कॉमन है, आर आर है, देन प्रोडक्ट ऑफ देयर टाइम ऑफ फ्लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी टी वन इंटू टी टू कितना होगा, तो सबसे पहले हम देखो आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये होता है यू स्क्वेयर साइन टू थीटा बाई जी, दोनों का आर सर सेम है तो सेम ही रहेगा, ठीक, हमें फाइंड करना है टी वन इंटू टी टू। अब मैं टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बता दूं आपको कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला होता है टी, ठीक है, कैपिटल टी से डिनोट करता हूँ, फार्मूला लिख रहा हूँ, इसलिए ये होता है टू यू वाई बाय जी, ठीक है, टू यू वाई बाई जी। अब हमें फाइंड करना है टी वन इंटू टी टू, तो हो जाएगा टू यू वाई, यानी पहले केस में देखो थीटा है तो यू वाई यानी यू साइन थीटा बाय जी इंटू टू यू साइन, दूसरे केस में 90 माइनस थीटा बाय जी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल के साथ हम एंगल ले रहे हैं वो 90 माइनस थीटा है दूसरे केस में और पहले केस में थीटा है, तो ये रहा पहले केस का टी वन, दूसरे केस का टी टू, ठीक है, तो ये आ जाएगा टू यू स्क्वेयर बाय जी स्क्वेयर, ये आ जाएगा साइन थीटा और ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है ना, तो जाएगा यू स्क्वेयर साइन टू थीटा बाय जी स्क्वेयर, या मैं जी इंटू जी लिख लेता हूँ, यहाँ पे टू इंटू टू यहाँ पे फोर हो जाएगा, तो मैं अगर तो यहाँ पे सिर्फ एक टू यहाँ लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा टू साइन थीटा कॉस साइन टू थीटा, और
और ये टू बच जाएगा, ठीक है। तो टू अगर मैं इस टर्म की बात करूँ, ठीक है, इस टर्म की, तो ये देखो रेंज हो रहा है 2 बाई जी, और ये फॉर्मूला हो जाएगा रेंज का आर, T1 इंटू T2। अब यू और जी तो कांस्टेंट है, सो द T1 इंटू T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेंज के, क्योंकि टू और जी तो क्या है, कांस्टेंट है। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। ओके, इफ अ बॉडी ए ऑफ मास सेम इज थ्रोन विथ वर्टिकली वी एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजेंटल एंड अनदर बॉडी बी ऑफ द सेम मास इज थ्रोन विद द सेम स्पीड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, द रेशियो ऑफ द हॉरिजेंटल रेंज ए एंड बी। दोनों भी सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया हमने, ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है। पहला पार्टिकल 30 डिग्री एंगल से प्रोजेक्ट किया है और दूसरा 60 डिग्री। हमें इनके रेंज में यानी आर आर वन आर टू में क्या करना है, बताना है कि रेशो क्या है। सो देखो रेंज का फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है ना। तो मैं अगर आर वन लेता हूँ तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी, क्योंकि वेलोसिटी तो सेम दिया दोनों को, साइन 2 थीटा यानी साइन 60 हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा साइन 60 है, 30 इंटू 2 तो साइन 60 होता है √3/2, तो आ जाएगा √3/2 यू स्क्वायर बाई जी। और अगर मैं आर टू की बात करूँ सेम वेलोसिटी है, तो आ जाएगा साइन 120 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री को अगर हम सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री भी होता है √3/2 यू स्क्वायर बाई जी, ठीक है। तो देखो वन एंड टू सेम है, तो इनमें रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ मैक्सिमम रेंज ऑफ अ गन इज हॉरिजेंटल ट्रेंड इज 16 किलोमीटर इफ जी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन द मजल वेलोसिटी ऑफ द शेल विल मस्ट बी, मजल वेलोसिटी यानी गन को फायर करने के बाद जो बुलेट की वेलोसिटी है, वो बुलेट की वेलोसिटी हमें पता करना है। हमें पता है कि बुलेट जो है वो भी हॉरिजेंटल पाथ को ही फॉलो करता है, अगर मैं यहाँ से फायर कर रहा हूँ तो कुछ इस तरह वो जाएगा, कुछ एंगल थीटा होगा। मैक्सिमम रेंज जा रहा है यानी जो थीटा है वो 45 डिग्री, ठीक है ना, मैक्सिमम रेंज की बात हो रही है यहाँ पे। और जो मैक्सिमम रेंज ऑफ अ गन हॉरिजेंटली 16, यानी जो रेंज है वो हमें पता है 16 किलोमीटर, ठीक है ना। तो रेंज का फार्मूला होता है यू स्क्वायर बाय साइन 2 थीटा बाय जी, ठीक है ना। अब यहाँ से यू स्क्वायर में फाइंड करना है, जी हमें गिवन है 10 है, साइन 2 थीटा यानी अगर 45 इंटू 2 90, साइन 90 हो जाएगा 1, रेंज हमें गिवन है 16 किलोमीटर किलोमीटर में, तो मैं इसे मीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो हो जाएगा 16 यानी 16,000 इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 10, ठीक है। अगर मैं यहाँ से यू लेता हूँ तो ये हो जाएगा कुछ इतना, और अंडर रूट होने के बाद ये हो जाएगा 400 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना।
सो द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 400 मीटर पर सेकंड सेकंड। सो आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। कुछ ना कुछ बेसिक से फार्मूलेज है, आपने पढ़े भी होंगे, आपको सिंपल से जो लॉजिक्स है वो सभी पता होंगे, इजीली हम कर सकते हैं, ऐसे हम कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।